जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अपना दल का गठबंधन पिछले 3 चुनाव से है। हम पहला हमारा 17 का विधानसभा चुनाव और 2014 और 19 का लोकसभा चुनाव साथ में मिलकर लड़ चुके हैं और बहुत ही सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को दिल से स्वीकार भी किया है। ये 14 चुनाव है जो हम साथ में मिलकर लड़ने जा रहे हैं। कितने सीटों पर इस बार? सीटों पर हमारी चर्चा अभी चल रही है, जब क्लियर हो जाएगा तो आपको बता दिया। किसान आंदोलन चल रहा है अभी। देखिए, किसान आंदोलन को तो किसानों की कुछ मांगे हैं अब, लेकिन जहां तक कृषि कानूनों पर किसानों की आशंका और आपत्ति का विषय था, मुझे लगता है अब उस पर विराम लग चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस करने की मांग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, एमएसपी मिलनी चाहिए नहीं? कल हमारी संसद में कानूनों की वापसी का जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसका पूरा पालन किया जाएगा, उसकी वापसी का बिल भी लाया जाएगा और जो किसानों की अब भी जो मांगे रह गई हैं संवाद के जरिए सरकार उसका भी रास्ता निकाले। मैम, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों की तरफ से पहल किया गया था कृष्णा पटेल जी से कि उनकी पार्टी में विलय हो जाए, और क्या कुछ कारण रहा कि जो आप लोगों की बात नहीं बन पाई? देखिए, प्रयास करना हमारा काम है, प्रयास हमने किया था, परिणाम सकारात्मक आए नहीं आए हमारे हाथ में नहीं। मैम, का मानना है हमारी पार्टी एक स्वतंत्र पार्टी है, हम NDA के सहयोगी हैं और हम निरंतर इस विषय को उठा रहे हैं कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का गठन होना चाहिए ताकि इस देश के कोने कोने से हर परिवार के अंदर हर वर्ग से जो भी प्रतिभावान है वो प्रतियोगी परीक्षाओं को पार करके जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का है उसके एग्जाम में बैठकर उनको भी देश की न्यायपालिकाओं में न्यायाधीश के पदों पर बैठने का अवसर। 2014 आते हम निरंतर संसद के अंदर भी उठा रहे हैं, NDA की बैठकों में भी उठा रहे हैं। ये हमारी पार्टी का पक्ष है और निरंतर हम इसको कहने का काम कर रहे हैं।